बाइक स्पीड वॉल का ही दूसरा नाम होता है मिट्रल वॉल्व। तो जब मिट्रल स्टेनोसिस बोले तो समझ जाओ कि बाइक स्पीड वॉल्व जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, उसमें ब्लॉकेज आ गया है। सो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेस्ट मेडिकल क्लासेस। सो गाइस बेसिकली दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ योर कार्डिक फेलियर। गाइस पिछली वीडियो के अंदर हमने समझा था एक मैकेनिज्म कि हार्ट के अंदर ब्लड किस तरीके से फ्लो होता है ना, और हमने पिछली वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि कार्डियक फेलियर कितने टाइप के हो सकते हैं, मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है, या फिर ये दोनों ही। ठीक है, सो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप डिस्क्रिप्शन से लिंक ले लीजिए, वो वीडियो पहले आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, सो गाइज शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आज आपको बताऊंगा एटियोलॉजी कि जो कार्डियक फेलियर हो रहा है वो क्यों हो रहा है। पिछली वीडियो मैंने डिस्कस किया था कि भाई लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो गया, बट ये डिस्कस नहीं किया कि क्यों हुआ। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि कैसे एक वेंट्रिकल पंप करना बंद कर देता है, ऐसा उसके अंदर क्या होता है। सो गाइस इसका सिंपल सा आंसर है MI। अब MI कैसे होता है इसके समझिए। देखिए MI मीन्स मायोकार्डियल इंफार्क्शन। देखिए सिंपल आप ये समझ करके चलिए, मैं बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर लेकर के चलूंगा आपको समझाने के लिए। ये हार्ट की मसल है, ये हमारी हार्ट की मसल है, इसको एक आर्टरी सप्लाई करती है जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है जो इस हार्ट को अपना मतलब सप्लाई करती है, इस हार्ट को ब्लड देती है। ठीक है, अब कोई भी कोरोनरी आर्टरी अगर डिसीज होगी, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये क्या है आपकी, ये है मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, ये क्या है आपकी कोरोनरी आर्टरी। सो कोई भी कोरोनरी आर्टरी डिसीज अगर होगी तो मायोकार्डियम का फंक्शन खराब हो जाएगा। मींस जब किसी भी कारण से अगर कोरोनरी आर्टरी का ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, इम्प्रॉपर है, तो मसल को सप्लाई नहीं मिलेगी, हार्ट की मसल को सप्लाई नहीं मिलेगी, तो इसलिए इसके अंदर क्या हो जाएगा, इन्फार्क्शन, और इसी से बना है आपका मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसको आप MI के नाम से जानते हो। ठीक है, अब ये आपकी कार्डियक कोरोनरी आर्ट डिसीज होती कैसे है, देखिए इसको सिंपल आप ऐसा समझ लीजिए कि भाई यहां पर एथेरोमा हो गया, मान लीजिए ये अगर एथेरोमा हो जाएगा तो इस तरीके से यहां पर ब्लड जो है वो आपका प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगा, है ना, या फिर कोई थ्रोम्बस जम गया यहां पर, ये कोई थ्रोम्बस है तो भी आपका ब्लड सही से फ्लो नहीं हो पाएगा। तो कोई भी कोरोनरी आर्टरी डिसीज जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो आपका MI करा सकती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहां से हमने समझा इटियोलॉजी है, तो यही इसकी सिंपल सी इटियोलॉजी है हार्ट फेलियर की, कोई ज्यादा बड़ा इसमें फंडा नहीं है हार्ट फेलियर का। MI होता है, पेशेंट खत्म, इसमें कोई ज्यादा लंबा खेल नहीं है, है ना। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्ट फेलियर की। अब ये मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से हार्ट फेल होता है ना, इस मैकेनिज्म को समझते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, मैं रब कर रहा हूं डायग्राम समझने के लिए, आप इस तरीके से शॉर्ट डायग्राम बना सकते हो आप अपने नोटबुक पर। इन सबसे क्या होता है, बेसिकली कंसेप्ट बहुत ज्यादा इजी हो जाता है अगर आप इस तरीके के शॉर्ट डायग्राम बना सकते हो तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या एक मैकेनिज्म होता है हार्ट फेलियर का। तो सिंपल हम वही पिछला वाला डायग्राम बना रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर पिछला वीडियो नहीं देखा, समझ में नहीं आएगा ये, तो पहले पिछला वीडियो देख लेना, समझ में नहीं आएगा आपको ये बॉक्स क्या है, तो पहले पिछला वीडियो देखिए जिसने नहीं देखा है। तो अभी समझिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक बार नेमिंग कर देता हूँ मैं आपको, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम। ठीक है, और सिंपल सा एक छोटा सा समझने के लिए आपके लिए यहाँ पर एक एरोटा भी बना देते हैं, ये सुपीरियर ब्रांच हो गई इसकी, इन्फीरियर ब्रांच है, ये इस तरीके से आया, ये हो गया एरोटा। ठीक है, यहाँ पर हमारे वॉल भी होते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बाइक स्पीड वॉल है, ये ट्राइक स्पीड वॉल है। ठीक है, अभी यहां पर आप देखिए पहला पॉइंट समझिए, रिड्यूस वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ये जो वेंट्रिकल है, दोनों ही वेंट्रिकल है मान लीजिए, तो इनकी वेंट्रिकल की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है। खत्म क्यों होती है, MI की वजह से। MI में जस्ट अभी तुमने बताया था कि MI क्या चीज है। दूसरा पॉइंट,
वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन एरोटिक स्टेनोसिस। अब इसको समझ लीजिए कि एरोटिक स्टेनोसिस क्या होता है। तो देखिए एरोटिक स्टेनोसिस क्या होता है, बेसिकली जब आपके एरोटा में कोई एक तरीके से थ्रोम्बस बन जाए, मींस जो एरोटा का जो स्पेस है वो प्रॉपर नहीं रहा। दूसरे कलर से समझिएगा, देखिए ये एरोटा है आपका, ये पहले सिंपल है नॉर्मल, तो आउटफ्लो बढ़िया है इसमें, है ना। अब जब इस एरोटा में यहां पर मान लीजिए कोई इस तरीके से ब्लॉकेज आ जाए, ये जो एरोटा है ये प्रॉपर आपका खुला हुआ नहीं है जिससे कि ब्लड आपका निकल जाए, ये इस तरीके से यहां पर ब्लॉकेज आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल फेल होगा। हमेशा याद रखना ये लेफ्ट साइड के लिए है पॉइंट, ये लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए लागू होता है पॉइंट। इसमें क्या होगा, फिर से वही कंसेप्ट आ जाएगा कि भैया इस तरीके से यहां पहुंचेगा ब्लड, फिर जो आपकी पल्मोनरी वेन है वो ले जाएगी किसमें, लंग्स में, और जब लंग्स में ले जाएगी तो क्या हो जाएगा आपका पल्मोनरी कंजेशन। ये वाला कंसेप्ट भी आपको पिछली बार बताया था, तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, वेंट्रिकुलर इनफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें क्या बताया है जी, मिट्रल वॉल्व या फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व स्टेनोसिस। स्टेनोसिस भी आप सिंपली समझिए जो रास्ता है ना वो पतला हो गया, जो फ्लो होता है मींस निकलने के लिए जो रास्ता था, ब्लड के निकलने के लिए जो रास्ता था वो पतला हो गया। एक और डायग्राम देख लीजिए, ये रास्ता है ब्लड के फ्लो का, कोई भी चीज है ना, अगर इस रास्ते में कोई ब्लॉकेज आता है इस तरीके से, ये ब्लॉकेज आ गया, तो जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। यही छोटी सी बात कही जा रही है स्टेनोसिस में। क्या कहा जा रहा है कि जो आपका ट्राइकस्पिड है इसमें स्टेनोसिस हो जाए, या फिर आपका बाइकस्पिड है, या फिर मिट्रल, इसका दूसरा नाम होता है बाइकस्पिड वॉल्व का ही दूसरा नाम होता है मिट्रल वॉल्व। तो जब मिट्रल स्टेनोसिस बोले तो समझ जाओ कि बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, उसमें ब्लॉकेज आ गया है। तो आपका इस तरीके से दोनों ही हार्ट फेल हो सकते हैं, दोनों ही साइड के, दो हार्ट नहीं होते, गलत बोल दिया मैंने, राइट वेंट्रिकल फेल हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम ओवरलोड। ये क्या चीज होती है इसको समझिए। देखिए वेंट्रिकुलर वॉल्यूम ओवरलोड कैसे हो सकता है, मीन ज्यादा ब्लड भर गया वेंट्रिकल्स में, तो किस कंडीशन में भर सकता है इसको देखिएगा, फिर से वही डायग्राम आएगा, बार बार ये डायग्राम आ रहा है ना, क्योंकि ये बेसिक डायग्राम है, तभी आपसे आपकी चीज इससे क्लियर होंगी। तो नेमिंग मैंने इसमें कर रखी है, आपको सिंपली ये समझाना है एएसडी क्या है और वीएसडी क्या है। तो ये क्या बता रखा है मैंने, ये ऊपर वाला भी एट्रियम है, ऊपर वाला भी एट्रियम है, तो बीच वाली दीवार को क्या कहेंगे, ये एट्रियल सेप्टम हो गया। मान लीजिए ये जो बीच वाली दीवार है ये हो गई एट्रियल सेप्टम। इसी तरीके से नीचे क्या है, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के बीच में कौन सी दीवार आ गई, वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो जब आपका दोनों एट्रियम के बीच वाली वॉल में डिफेक्ट आ जाए तो इसको कहते हैं एएसडी। और जब आपका वेंट्रिकल की जो बीच वाली वॉल है, जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, जब इसमें डिफेक्ट आ जाए तो इसको कहते हैं वीएसडी। तो इन दोनों कंडीशन में भी हार्ट फेलियर होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट आता है आपका अरिथमिया। अरिथमिया का मतलब क्या है कि जो रिदम है हार्ट की वो एबनॉर्मल हो जाए, फिब्रिलेशन, एक तरीके से जो हार्ट है वो सही से काम नहीं कर रहा है, उसके जो सिग्नल है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, इनकोऑर्डिनेशन हो रहा है बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के बीच में। अब आता है डायस्टोलिक डिसफंक्शन। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो अच्छा हो रहा है लेकिन डायस्टोल नहीं हो पा रहा, कोई एक तरीके से फाइब्रोसिस हो गया, मायोकार्डाइटिस हो गया है, हार्ट की मसल जो है वो कंस्ट्रक्टिव हो चुके हैं, बहुत ज्यादा टाइट हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपका हार्ट रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। जब रिलैक्स नहीं हो पाएगा तो ब्लड ज्यादा नहीं भरेगा, और जब ब्लड ज्यादा नहीं भरेगा तो कार्डिक आउटपुट कहां से निकालेगा। और कार्डिक फेलियर की डेफिनेशन भी यही कहती है कि जब आपका हार्ट इम्प्रॉपर या फिर कार्डिक आउटपुट को मीन सही से कार्डिक आउटपुट नहीं निकाल पा रहा है, उस कंडीशन को हम कार्डिक फेलियर कहते हैं। तो यहां पर ये मैकेनिज्म था कि कैसे हार्ट फेल होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।